साहिवाल इस टाइप से, और बाकी बफलोज हैं जो कि 47% है। ये फिगर 12-13 के सेंसस से दी हुई है। अब देखते हैं कि ये जो दूध मैंने आपको पूरा दिखाया, इसका 90% दूध इन 10 स्टेट्स में पैदा हो जाता है, यानी कि जो टोटल दूध हमने देखा है ये टोटल सिर्फ 10 स्टेट्स के ऊपर डिवाइडेड है। तो मैंने इन 10 स्टेट्स को ही पकड़ा, मैंने कहा जहां 90% दूध हो रहा है हम उसी को एनालाइज करते हैं, ये बाकी तो जो है वो मैप में ही आ रहे हैं। तो जब मैं इनको एनालाइज करना शुरू किया तो सबसे पहले जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर जगह मैं महाराष्ट्र का नंबर बताता जाऊंगा, सातवें नंबर पे महाराष्ट्र आता है पूरे इंडिया में। जब मैंने इनको देखना शुरू किया तो मैंने दो चीजों को साथ में रखा, एक तो उस स्टेट की रैंकिंग की वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है, दूसरा पिछले 5 साल में वो ग्रो कितना कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि टॉप 3 जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, लेकिन टॉप 3 जो ग्रो कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। यानी तीनों स्टेट्स में सिर्फ राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने अपनी सेकंड पोजीशन को दोनों जगह पर मेंटेन कर रखा है। इसके ऊपर हमारे को फर्दर सोचने की जरूरत है। इसके बाद हमने देखा कि चलो ये दूध कहां कहां से आ रहा है, तो एग्जॉटिक से आ रहा है, तो देसी गाय से आ रहा है, तो बफलो से आ रहा है। तो उसमें देखा तो एग्जॉटिक में सबसे ऊपर नंबर आया, जो प्रोडक्शन आ रही है, जो नंबर ऑफ एनिमल्स आ रहे हैं वो हमने देखा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उसमें 2 नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश 3 नंबर पे आता है, बिहार, आंध्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इंडिया। जबकि कई बार हमारे को ऐसा लगता है इनसाइट्स में कि पंजाब में क्रॉस रेट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर हम कॉन्ट्ररी देखते हैं तो ये नंबर तमिलनाडु में ज्यादा है। लेकिन जब हमने ग्रोथ रेट पे देखा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा, और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान अगर 1 नंबर पे ग्रोथ रेट में क्रॉस रेट पे आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं किसान की मानसिकता को दर्शा रहा है। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना है, शायद महाराष्ट्र दूसरा बनेगा, जिसके अंदर देसी गाय के ऊपर अलग मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर देसी गाय को अलग से प्रोटेक्ट किया जा रहा है या उसके ऊपर अलग से काम किया जा रहा है। लेकिन वहां पे ग्रोथ किस में आ रही है, ग्रोथ क्रॉस ब्रेड में आ रही है। इसका मतलब है फंडामेंटली क्या हो रहा है कि किसान का रुझान प्रोडक्टिविटी और उस साइड पे जहां से वो पैसे कमा सके। बफलो, इसके बाद देसी गायें आ जाती हैं। देसी गाय में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र का नंबर इसमें 6 पे आता है। इसके अंदर हमने देखा तो टॉप 3 स्टेट्स में तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेट्स जो देसी गाय पे काम कर रहे हैं उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आया, जहां पे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का एक कारण इस वजह से भी मैं मान सकता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में एक 5-6 सालों में वहां पे एक स्कीम चली थी कामधेनु के नाम से, तो उस कामधेनु में बहुत लोगों ने, तो उन्होंने कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, तो 25, 50 और 100 जानवरों के ऊपर स्कीम चलाई थी। और मेरे ख्याल से 100 जानवरों पे इंडिया की डेयरी हिस्ट्री में जितनी मुझे समझ में आती है शायद ये पहली स्कीम थी। हमारे भारत में 25 जानवरों से ऊपर की स्कीम मैंने बहुत ओवरटली या एक्सप्लिसिट वे में होते हुए नहीं देखी। तो उस समय पर देसी गाय वगैरह का शायद ग्रोथ आने का उन्हें कोई फैक्टर मिला हो। बफलोस को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें भी फिर 7वें नंबर पे आता है। लेकिन जब हम ग्रोथ देखते हैं तो अगेन राजस्थान बफलो के केस में भी पहली, दूसरे की जगह पहली पोजीशन रखता है, मध्य प्रदेश भी उसमें आता है, लेकिन बफलो की ग्रोथ में पंजाब आता है। पिछले 2 या 3 साल का अगर मैं डेटा पिक कर लेता हूं और 2016-17 से लेकर 13-14-15 से मैं देख लेता हूं तो बफलो के अंदर ग्रोथ आ रही है। किसी जगह पर अमूल के सोडी साहब ने ये बोला भी था कि शायद कुछ साल पहले तक हम 60-70% तक हमारा दूध बफलो का होता था, जो कि घटके 45-50% 52% पे आ गया, जो कि अब फिर बढ़ रहा है और चांसेस ये हैं कि आने वाले टाइम में कि शायद 55-60-70% तक जाए, बफेलो की तरफ फार्मर का रुझान हो गया। उसके 2 कारण है, पहला कारण तो आप सब जानते ही, और दूसरा कारण किसी ना किसी जगह पर जिसे हम गवर्नमेंट की कलिंग पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, उस पर कोई मैं कमेंट नहीं दे सकता, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं यील्ड पे। तो अगर हम यील्ड देखते हैं तो सबसे ज्यादा यील्ड पंजाब स्टेट के अंदर ली जाती है एग्जॉटिक ब्रीड में। तो जहां पे एवरेज हमारा जो चलता है वो तकरीबन 7.33 लीटर चलता है, पंजाब के केस में ये तकरीबन 10-11 लीटर के आसपास एक आपको हर्ड एवरेज मिल जाती है, यील्ड मिल जाती है एनिमल्स की। लेकिन जब हम उसी के, जब पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जहां पे एग्जॉटिक के ऊपर हमारी यील्ड ज्यादा है, ये एक जगह पर कहीं पे दर्शाती है, क्योंकि यील्ड जो है ये इट इज ए मैटर ऑफ सम काइंड ऑफ गुड मैनेजमेंट विद एनिमल्स।
यानी कि जब आप जानवर के साथ अच्छा मैनेज कर रहे हैं उसका यील्ड तभी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर भी क्रॉस ब्रीड के ऊपर इसका मतलब ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब ग्रोथ रेट देखते हैं तो ग्रोथ रेट में महाराष्ट्र ने यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन बरकरार की है और महाराष्ट्र इसमें आता है, लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा जो मिल रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिल रहा है। अगर देसी गाय पे देखते हैं तो देसी गाय में टॉप थ्री स्टेट्स यील्ड के ऊपर जो आते हैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात आता है। पंजाब के अंदर हमें हर जानवर पे शायद यील्ड ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और वहां पे अवेयरनेस वगैरह बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज अगर, मतलब मुझे नहीं पता, पॉलिसी मेकर्स अपने बड़े लेवल पे सोचते हैं, बहुत पैसा, कभी 10,000 करोड़ का कोई फंडिंग दिखता है, कभी 20,000 करोड़ का कोई फंडिंग दिखता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उस फंडिंग में ये ढूंढने की कोशिश करूं कि डायरेक्ट फंडिंग किसान की अवेयरनेस पे कितनी हो रही है, तो मुझे कोई नंबर नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो कहीं इनबिल्ट हो सकता है कुछ इस तरीके के हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मेजर फंडिंग किसान की अवेयरनेस पे भी आनी चाहिए, जिसमें शायद बैलेंस राशन के ऊपर मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। तो आई थैंक एनडीडीबी फॉर दैट। तो देसी गाय की यील्ड के ऊपर टॉप थ्री स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, गुजरात, लेकिन ग्रोथ जो मिल रही है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिल रही है। एवरेज यील्ड बफलो, उसके केस में फिर पंजाब आ गए हैं, और अगर हम उसको देखते हैं तो टॉप थ्री ग्रोथ तो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, लेकिन टॉप थ्री ग्रोथ रेट्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो चाहे महाराष्ट्र टॉप थ्री स्टेट्स में नहीं आता, महाराष्ट्र आता है पांचवें नंबर पे, लेकिन जो उसकी ग्रोथ रेट है यील्ड में वो बफलो के केस में महाराष्ट्र के अंदर इंप्रूव हो रही है। तो ये कुछ ये डेटा अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन इस डेटा को जब हम देखते हैं और देखते हैं टेम्परेचर कैसे बदल रहा है और किस जगह पर बदल रहा है, तो लगता है किसी ना किसी जगह पर कोई मूवमेंट चल रही है। ये इससे मैं ये वो थर्मामीटर है जिससे मैं किसान का टेम्परेचर नोट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब उसका रुझान किस तरफ जा रहा है, और अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र के स्नैपशॉट में कि किस दिशा के अंदर डेयरी जा रही है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क देखें इंडिया में, जिसे हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कहते हैं, तो उस केस में पंजाब नंबर वन पे 1 लीटर से ज्यादा अवेलेबिलिटी है। वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान टॉप कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट जो आ रही है मध्य प्रदेश, जो आ रही है और बिहार में, बिहार के अंदर भी जानवरों के ऊपर काफी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स हैं इस समय। जो अच्छे स्टेट्स चल रहे हैं जिसके अंदर जानवरों के ऊपर काफी, डेयरी के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, उनमें मेरे ख्याल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में भी अभी किया जा रहा है, लेकिन वो करने के भी दो तरीके मैं बताऊंगा। राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटका में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम किया जाता है, जो कि काफी स्ट्रेंज है। ये एक मैप दिखा रहा है कि पूरे इंडिया में पैस्चर लैंड किस तरीके से अवेलेबल है। वली साहब जैसे बता रहे थे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही ये है शुरू से कि हमारे भैंसों के केस में और गायों के केस में मोर देन 60% जो है वो ग्रेजिंग के ऊपर चलती है। देसी गाय तो चलती ही ग्रेजिंग के ऊपर है, वो पैस्चर लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चारागाह के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया का प्रोफाइल देखूं तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट लेवल जो रेड में दिखाई दे रहा है, राजस्थान को और हिमाचल को छोड़ के, और उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जहां फिर ग्रेजिंग की काफी फैसिलिटीज हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटका और गुजरात देख सकता हूं, उसके बाद सारी कंट्री पैस्चर लैंड कम से कम होता जा रहा है। और ये पैस्चर लैंड डेफिनेटली ऑन डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अर्बेनाइजेशन। जितना शहरीकरण हो रहा है, ये जमीनें जो हैं किसी ना किसी पर्पज से, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स आ रही हैं, तो उन स्कीम्स के अंदर, लेकिन अभी डर इस वजह से नहीं है कि इंडिया में लैंड बहुत है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम नहीं कह सकते हैं कि ये स्कीम्स कितना बड़ा रूप लेती हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है और मैं गलत हो सकता हूँ, पूरे इंडिया में घूमने के बाद पता नहीं मुझे कुछ ऐसा सा महसूस होने लगा, कुछ एक साल से थोड़ा सीन बदल रहा है, लेकिन एक साल पहले तक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इंडिया का नेशनल ऑक्यूपेशन या राष्ट्रीय आया कि किस तरीके से खेत कॉलोनियों में कटे हुए हैं, मतलब किसी का भी खेत देखो उसकी कॉलोनी कटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कल को चारागाह की क्या स्थिति बनेगी, मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।